तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है, पहले देख लेते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है ये कंपनी। बहुत लोगों को पता होगा इस कंपनी का नेम। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखा जाए ऊपर से, तो एक समरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मार्केट कैप तो 489 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है, मतलब 500 करोड़ के आसपास आप लोग पकड़ के चल सकते हो। स्टॉक का पी 6.7 बहुत ही बेहतरीन पी है, और आर ओ सी और आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी जो निकल के आ रही है बहुत ही शानदार आर ओ सी और आर ओ ई निकल के आ रही है। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक्स होने के लिए जो चीज़ चाहिए इस कंपनी में वो है। ऊपर से डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू 5 रुपये का है। अगर बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू के आसपास ही ये कंपनी ट्रेड कर रही है। कुछ दिन पहले तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही थी कंपनी। उसके बाद अगर बात करें हाई एंड लो की, तो बहुत ही सही निकल के आ रही है। एक साल में अच्छा खासा प्रॉफिट ये कंपनी देख गया है, ऑलमोस्ट 100% प्लस ये कंपनी एक साल में प्रॉफिट देख गई है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज में भी ये पे लिखा है कि बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। उसके बाद कॉन्स में अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 3.63% जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम हुआ है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो देख सकते हो जून के क्वार्टर में और मार्च के क्वार्टर में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 4 करोड़ की कम सेल्स दिखाई है कंपनी ने। उसके बाद नेट प्रॉफिट में देख सकते हो आप लोग, कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट शो कर रही है, तो प्रॉफिटेबल बोल सकते हो कंपनी को। उसके बाद करंट डीटीएम के बारे में बात करें, करंट डीटीएम में ऑलरेडी 73 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है। अभी तो आधा ही फाइनेंशियल ईयर हुआ है अभी से 73, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते 100 करोड़ की प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट फिगर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसका जो पहले का मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो 77, तो ये मुझे लग रहा है कि इस बार तोड़ने वाला है। उसके बाद अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने डेट भी रिड्यूस किया है, और कंपनी के पास बहुत ही कम डेब्ट है। कभी भी अगर कंपनी चाहती है तो डेट फ्री बन सकती है, लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो कंपनी कभी भी डेट फ्री नहीं रही है। तो डेट फ्री होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कंपनी में इन्वेस्ट करना, बट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने लायक है, लेकिन ये मत सोचना है कंपनी हम लोग को डेट फ्री देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें कैश फ्लोज के बारे में, कैश फ्लोज 5 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू मार्च 2020। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार डिक्रीज हो रही है। उसके साथ साथ FIIs ने फ्रेश अच्छा खासा बाई किया था दिसंबर के क्वार्टर में। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उन्होंने होल्डिंग अपने इंक्रीज किया था मार्च 2021 में कंपेयर टू दिसंबर 2020, और जून 2021 में फिर से उन्होंने बेच दिया। अभी सेप्टेम्बर क्वार्टरली का आने वाला है, तो देखते हैं सेप्टेम्बर में क्या होने वाला है। लेकिन DIS के बारे में बात करें, 0.3% होल्डिंग उन लोगों का भी है। DIS में देख लेते हैं किस किस का होल्ड पैसा लगा हुआ है। तो DIS में तो यहाँ पे चार्ट खुल नहीं रहा है, एक सेकंड गाइस देख लेते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो DIS में कौन किसका 0.3% होल्डिंग है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। पब्लिक में अगर बात करें तो 46% माल, ऑलमोस्ट 47% माल हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स का ही है। तो चलिए देख लेते हैं फ्राइडे कितना क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो केल्टन टेक सॉल्यूशंस NSE की डेली चार्ट खुली हुई, NSE की चार्ट खुली हुई है। केल्टन टेक करके कंपनी लिस्टेड है, निफ्टी IT में कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें तो 357,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 181 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, 4,835 क्वांटिटी बाइंग की तरफ पेंडिंग है 50.75 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें, 46% डिलीवरी निकल के आ रही है, मतलब 46% डिलीवरेबल क्वांटिटी जो ट्रेडेड क्वांटिटी निकल के आ रही है। क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें तो 1,65,000 के आसपास क्वांटिटी निकल के आ रही है स्टॉक में। तो चलिए अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, स्टॉक में क्या लेवल देखने को मिल सकता है, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, और क्या स्टॉक में टारगेट निकल के सामने आ रही है, उसके बारे में अभी आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइस लॉन्ग टर्म के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को अभी से ही। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो स्टॉक को, तो देखो गाइस बेहतरीन स्टॉक रहने वाली है। ROC परसेंटेज भी सही है, ROE परसेंटेज भी सही है। अगर एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो भी 100% प्लस है। एक मल्टीबैगर स्टॉक रह सकती है। अगर आप लोग रियली लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 साल के लिए बाई करना चाहते हो, तो छोटे मोटे मतलब छोटे मोटे पैसा लगा के भूल सकते हो स्टॉक को। स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न आप लोग को दे के चला जाएगा ये स्टॉक। एटलीस्ट अगर आप लोग 1,000 रुपये भी लगाते हो तो वो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन आप लोग को एकदम हाई के लेवल में बाई नहीं करना है, लोज के लेवल में बाई करना है। वो कहाँ पे आप लोगों को बाई करना है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो, तो दिखाता हूँ टेक्निकल दिखा के मतलब चार्ट दिखा के मैं बताता हूँ आप लोगों को कहाँ पे अगर आप रियली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो कैसे आप लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो लॉन्ग टर्म में भी। ये आप लोग देख सकते हो, हम लोग केल्टन टेक सॉल्यूशंस की NSE की डेली चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे।
₹50 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है और फ्राइडे को ये कंपनी 1% अप थी। अगर आप अभी बात करते हैं, अगर आप लोग रियली लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हो स्टॉक को, तो कहाँ पे बाई करके चल सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। पिल्टन टेक की जो चार्ट है वो खुली हुई है, ये 39 के लेवल दिख रहा है आप लोगों को, ये आप लोग देख सकते हो। अगर रियली आप लोगों को बाई करना है तो 39 के लेवल, मतलब 39.5 के लेवल, या 39 के नीचे अगर, मतलब 39.5 के नीचे अगर कभी भी मिलती है 39.5, तो चलिए एकदम राउंड फिगर कर देते हैं, 40 के नीचे या 40 के लेवल पे ही बाई करना है आप लोगों को, अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने के लिए सोच रहे हो। अभी भी बाई करके चल सकते हो, लेकिन गाइस देखो पहले थोड़ी सी स्टॉक नीचे गिरने, तो अभी स्टॉक नीचे गिरने वाली है, अभी कोई स्विंग ट्रेड अस्त निकल के नहीं आ रही है। अभी मुझे लग रहा है कि अभी देखो ये जो 51.5 की जो सपोर्ट एरिया था, ये कंपनी ने तोड़ दिया है। अभी कंपनी जो है वो 40 के लेवल दिखा सकती है, फिर से 40 के लेवल दिखा सकती है। जब भी 40 के लेवल दिखाएगी तब आप लोग बाई करके चल सकते हो। 40 के लेवल से नीचे जितना ट्राई करो, 40 के लेवल के आसपास ही बाई करना है, या तो नीचे या तो ऊपर, जितना नीचे मिले बाई कर लेना है आप लोगों को, लेकिन ट्राई करना 40 के लेवल के आसपास हुआ तो अच्छा है, एक अच्छा खासा पोजिशन आप लोगों के पास रहेगा। देखो गाइस जब ये कंपनी 85 में था तभी भी आप लोग लॉन्ग टर्म में बाई करके चल सकते हो। अगर 5 साल वेट करते हो, 10 साल वेट करते हो, तो 10 साल में 85 से काफ़ी ऊपर चली जाएगी, लेकिन आप लोग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाई में क्यों एंटर करना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना है तो आप लोगों का एंट्री इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी अगर नीचे के लेवल पर आप लोगों का जो एंट्री मिल जाता है तो आप लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो आप लोग। तो बाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो 40 के लेवल के आसपास बाई करना है, तो फिर 40 के लेवल से जितना नीचे मिले बाई करके चल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अभी बात करते हैं, वॉल्यूम जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, तो स्टॉक अभी एक अच्छी से नीचे गिरने वाला है, ऐसा कुछ सीन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे। तो बाई कहाँ पे करना है, देखो गाइस अगर बाई पहले बात कर लेते हैं, अभी अगर यहाँ से फिर से रिकवरी दिखा दे, जैसे कि ये इस वाले ट्रेंड स्विंग में आप लोगों को देखने को मिला था, फिर से 51.5 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया था स्टॉक, अगर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है फिर से विद ग्रीन कैंडल एंड प्रॉपर वॉल्यूम, तो आप लोग 63 मतलब 50 अगर बात करें सीधे सीधे, तो 51.5 के ऊपर अगर कंपनी क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 63.05, 72.5 एंड 85 रुपीज़। और अगर मान लो कि यहाँ से नीचे गिर जाती है तो बाई करना है 40 के लेवल पे, एक प्रॉपर बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद, जब आप लोगों को एक प्रॉपर बाउंस बैक कन्फर्मेशन मिल जाएगी 40 के लेवल पे, तो आप लोगों को बाई करके चलना है स्टॉक को फॉर द टारगेट्स ऑफ 51.5, 63.05 एंड 72.5। ये रहेगा कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो ये रहेगा। तो गैस मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लेवल भी बता दिया, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में अगर बाई करना चाहते हो तो कहाँ पे बाई करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसी रहने वाली है वो भी मैंने बता दिया। अभी तो देखो गैस स्विंग ट्रेडिंग में बाई कहाँ पे करना है ये तो स्टॉक के ऊपर डिपेंड है, अगर नीचे गिरती है तो यहाँ पे बाउंस बैक के टाइम बाई कर लेना, अगर ऊपर जाती है तो 51 के प्राइस पॉइंट पे बाई कर लेना। मैं ये नहीं बोल सकता कि 51 के प्राइस पॉइंट पे बाई कर लेना, तो अगर नीचे गिरती है स्टॉक तो एक स्विंग आप लोग मिस कर दोगे। अगर मान लो कि स्टॉक ऊपर जाती है जा रही है और मैं बोल दिया कि मैंने बोल दिया 40 के लेवल पे बाई कर लेना, तो ये भी मतलब टोटली डिस्गस्टिंग होगा ना, क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रही है 40 के लेवल में तो मिलेगा ही नहीं आप लोगों को, इस चक्कर में आप लोग गलती कर बैठोगे। इसलिए जैसे स्टॉक जा रही है उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेड लेना है, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। बाकी गाइस लॉन्ग टर्म में कैसी है वो तो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, जितना पॉसिबल वेस्ट था ट्रेड लेने के वो मैंने आप लोगों को बता दिया। गाइस मैं इंट्राडे के बारे में नहीं डिस्कस करता, क्योंकि मैं खुद भी इंट्राडे ट्रेड्स नहीं लेता हूँ मैं खुद भी इंट्राडे ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, कभी कभार ही लेता हूँ, मतलब बहुत ही कम, 1000 ट्रेड्स में 1 या 2 इंट्राडे ट्रेड्स मैं लेता हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। इंट्राडे ट्रेड्स में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस दूसरे को, मतलब बहुत सारे लोगों का, उन लोगों को होगा, मेरे पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस स्विंग ट्रेडिंग में है, तो मैं उसी के बारे में बात करता हूँ स्टॉक में। तो चलिए गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस। और अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानना है, स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट करके बता सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर ए 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक यू गाइज अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड बाय गाइज।